हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं पीरियडिक टेबल के टॉपिक पे। तो पीरियडिक टेबल का टॉपिक देखो, मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्स के नंबर, उनका नंबर से एलिमेंट, ग्रुप और पीरियड, और उसकी पीरियडिक टेबल में पोजीशन क्या है, वो अपन सब कुछ इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो फटाफट आप किसी भी नंबर से एलिमेंट वगैरह आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो आपको करना क्या है वो देखो, आपको सबसे पहले लास्ट वाला जो ग्रुप है अपने पास 18 ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट्स है कुछ। इन एलिमेंट्स को लास्ट में आता है रोजी, ठीक है। ये आपके पास में 2 नंबर का एलिमेंट है, ये आपके पास में 10 नंबर का है, ये 18 नंबर का है, ये 36 का है, ये 54 का, और ये 86 का, और ये आपके पास 118 का है। तो आपके पास टोटल 118 एलिमेंट है पूरी पीरियडिक टेबल में। आपको ये पता है पहले नंबर का एलिमेंट यहाँ आता है, ये ग्रुप लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट ग्रुप है आपके पास, ये आपके पास में 18th ग्रुप का है, ठीक है। ये आपके पास में 2 नंबर पे एंड हो रहा है इसका पीरियड, तो समझना ये 3 पे आएगा, मतलब ये 3 से लेके 10 के बीच में मिलेंगे आपको, ठीक। फिर 10 से लेके आपको 11 से 18 मिलेगा, फिर 19 से 36 मिलेगा, फिर 37 से 34 मिलेगा, फिर आपके पास 55 से लेकर के 86, और लास्ट में आपको 87 से लेकर के 118, आपके पास 7 पीरियड होते हैं टोटल, तो 7 के 7 पीरियड निकलेंगे। अब आपके पास में ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 है। आपके पास 7 ग्रुप होते हैं, ये आपके पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है? एन मतलब ये है कि आपको ये नंबर ऑफ सबशेल बता सकता है, ऑर्बिटल बता सकता है, एनर्जी लेवल बता सकता है, आपको इन सब के बारे में पता है अच्छे से, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो, सपोज कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, है ना, मैंने मान लो एलिमेंट लिया 50 नंबर का, कौन से नंबर का, 50 नंबर का। तो आप 50 नंबर, अब आपको तो नहीं पता एलिमेंट कौन सा है, पीरियड कौन सा है, कहाँ आएगा, बट मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, ठीक है। देखो आपको एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है, क्या N-2, मतलब किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है ना, तो इसमें मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको फटाफट निकालने के। तो सबसे पहले आप समझना, मैंने आपको N-2, F1-14, N-1, D1-10, ठीक है, NS-12 और NP-16, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको छोटा सा याद रखना है बस। इसके बाद आपके पीरियडिक टेबल को लेकर के जितने भी दुख दर्द पीड़ा है खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप समझना 50 नंबर बोला, तो 50 नंबर पहले ये समझो कौन से पीरियड में आएगा, तो 37 से लेके 54 आपके फिफ्थ पीरियड के अंदर आ गया, तो फिफ्थ पीरियड में आ गया, आपको एन की वैल्यू तो पता लग गई फिफ्थ। अब आपको ये समझना है कि एफ और डी स्टार्ट कहां से होते हैं, तो एफ अपने स्टार्ट कहां से होता है समझना, आपका एग जो होता है वो फोर्थ शेल से स्टार्ट होने लग जाता है, मतलब आपके पास में, मतलब यहाँ में लिख रहा हूँ साइड में या इधर लिख देता हूँ, जैसे आपके पास पहला पीरियड होता है तो उसके अंदर 1s होता है, दूसरे के अंदर 2s और 2p होता है, तीसरे के अंदर आपके पास में 3s, 3p और 3d होता है, चौथे के अंदर आपके पास में 4s होता है, 4p होता है और 4d होता है और 4f होता है, मतलब एग जो है वो 4 से ऊपर से स्टार्ट होता है, 4 होगा, 5 होगा, 5f होगा, 6f होगा, ऐसे होगा। 3d जो है आपके पास में 4d हो सकता है, 3d हो सकता है, 5d हो सकता है, ऐसे ऊपर होंगे, बट 2d नहीं होगा क्योंकि n इक्वल नॉट n, n और l सेम नहीं हो सकते, आपने पढ़ा होगा कि n और l कभी भी सेम नहीं हो सकते, इसलिए 2d और 3f नहीं हो सकता। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप एक बार, जैसे n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, तो अब समझो पीरियड तो आपको पता लग गया 5 से इसका, तो अपने पास पीरियड तो आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सब कॉन्फ़िगरेशन बनना है, तो देखो 50 से पहले इनेट गैस कौन सी है, तो 50 से पहले वाली इनेट गैस है 36 पे आती है, तो आपको उसको 36 नंबर का क्रिप्टॉन लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो आपको एन के लिए 5 आई थी, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 है, 3f होता नहीं है, आपको खुद को पता है, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4d होता है, तो इसको लिख दो, ठीक है। आपको इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, ठीक, 5s होता है ऐसे और 5p, आपको ये
ये भी पता है। तो आपको सबके कप के कॉन्फ़िगरेशन बना दिया आपने। अब 36 को मैंने इसमें भर दिए, आपको पता है कितना 36 का आता है, जब आपने लिख भी रखा है ना, 50 बोला था तो बच्चे कितने 14 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करने हैं। जो सबसे पहले क्या करोगे, एस में यहाँ बंद करके भर दिया करो, जब भी आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनाओ पहले एस में भर दो, फिर उसके बाद ये देखा करो किसके एन का नंबर कम है, ठीक है, ये एन प्लस एल जो आपने पढ़ रखा है उसी से मैं बता रहा हूँ आपको। तो एन का नंबर सबसे कम है, एन का नंबर इसका सबसे कम है, तो अपन क्या करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर ये चेक करना है। तो 50 बोला है, 36 भर दिए बच्चे कितने 14 में से 2 इसमें भर दिए बच्चे कितने 12 में से मैंने भर दिए इसके अंदर डी के अंदर 10 बच्चे कितने 2, तो वो 2 इसमें। अब बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जा रहे हैं, कौन से कोश में जा रहे हैं, पी के अंदर, तो इसको बोलेंगे हम पी ब्लॉक का एलिमेंट। कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। अच्छा ग्रुप कौन सा है ऐसे ही, तो देखो P का सेकंड है, P के सेकंड का मतलब समझना, S में 1 और S में 2 होते हैं, आपको पता है S ब्लॉक में 2 ग्रुप है, आप पीरियडिक टेबल जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट ग्रुप होता है सेकंड होता है। ऐसे D 1 होता है 3 से लेकर के D 10 का होता है आपका 12 ग्रुप, आपको पता होगा। फिर उसके बाद में P 1 आ जाता है ये 13 ग्रुप है, पी टू आ जाता है ये 14 ग्रुप है, पी 3 आ जाता है ये 15 ग्रुप है, पी 4 आ जाता है ये 16 है, पी 5 आ जाता है ये 17 है, और पी 6 आ जाता है ये 18 ग्रुप है। तो आपके पास में इस तरीके से ग्रुप हैं, आपको सबको पता है इतने ग्रुप होते हैं अपने पास में। तो अब मैं बोल रहा हूँ पी का सेकेंड है, तो पी का सेकेंड मतलब समझ लो ये 14 ग्रुप है। अब 14 ग्रुप का आपको ट्रिक बताऊंगा चाहिए बस, तो 14 ग्रुप का ट्रिक क्या होता है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सबको पता है। तो बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको ट्रिक्स नहीं आती तो कमेंट में लिख देना, मैं ट्रिक का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बाकी ये 9-10 में सिखा दी जाती है ट्रिक्स, ठीक है ना, और अधिकतर बच्चों को पता भी होगी इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, बाकी फिर भी नहीं आती तो मैं ट्रिक के लिए अलग से वीडियो ले लूंगा, ठीक है। अब आप समझना कि मेरे को पीरियड पता लग गया 5 है, पी ब्लॉक पता लग गया, बट ग्रुप पता करना है मेरे को और एलिमेंट। तो ग्रुप भी आपने बता दिया 14 ग्रुप है सर, ग्रुप कौन सा इसका 14 है, ठीक है। अब अपने को इसका एलिमेंट डिटेक्ट करना है कि एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि मेन कहानी तो एलिमेंट की है ना, क्योंकि हमको 50 नंबर तक ऐसे पे आ गए, जैसे कोई 26 पूछे तो हमको पता है एफ ही आता है, बट 30 तो नहीं पता ना कौन सा कहां पे आता है, क्योंकि 30 का वाला पता है चलो कहीं 30 तक याद होते हैं, बट बड़ा नंबर दे देना तो फिर आप निकाल नहीं पाते, तो फिर बड़े नंबर का एलिमेंट इस तरीके से निकालते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 50 का आपका कैसे 50 है, तो अभी रीडिंग में से अब क्योंकि ग्रुप पता लग गया यही है, और पीरियड कौन सा है 5th, तो ये समझो कार्बन कौन से पीरियड में आते हैं, तो कार्बन 6 नंबर का एलिमेंट है, आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट याद करने हैं, आपको नीचे वाले का ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा। तो कार्बन 6 नंबर का, 6 कौन से पीरियड में आता है, मुझे कौन सा पीरियड पकड़ना है इसका, 5th पकड़ना है, तो 5th नंबर पे कौन आएगा, ऐसे एलिमेंट कौन सा है, ऐसे ऐसे बोले तो 10, तो 50 नंबर पे कौन आता है, ऐसे आता है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एलिमेंट निकाल दे सकते हैं, बस आपको क्या पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक और मैं आपको निकाल के बताता हूं, तो एक और अपन देखते हैं, इसी में अपन साइड में देख लेते हैं नीचे की तरफ, समझना एक बार, मेरे को कोई नंबर आया, जैसे मान लो मेरे पास में नंबर आ गया, कितना नंबर आ गया 46, ठीक है, नंबर कितना आ गया 46 मेरे पास में नंबर है, ठीक। देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है समझना, ये देखो 46 का पीरियड कौन सा है, तो 46 का सर आपके पास पीरियड जो आएगा वो आएगा आपके पास में 5th, आप किसी भी पीरियड को ले सकते हो। ग्रुप कौन सा है, आप ग्रुप में दिक्कत है ये देखो, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 46 जो है 54 में 18th में आता है, 54 नंबर का एलिमेंट, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको एलिमेंट निकालने का, 54 में आता है 18th के अंदर, तो 46 में कितना डिफरेंस आ गया,
तो सर चार इधर और चार उधर, आठ का डिफरेंस आएगा मतलब ये दसवें ग्रुप में आता होगा। कौन से ग्रुप में आता होगा? टेंथ ग्रुप के अंदर आता होगा। और आपको टेंथ ग्रुप की ट्रिक पता होना चाहिए, है ना? आपको टेंथ ग्रुप की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो ट्रिक क्या है? नहीं पढ़ोगे पिटोगे, बस। कि तामझाम भी नहीं करना, बड़ा आसान है ये। तो तब जब आप किसी कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, फिर कई एग्जाम से कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, बट अपने को एलिमेंट निकालना तो बड़ा आसान काम है। आप सीधा सीधा क्या करो, ये देखो कि निकल कौन से पीरियड में आता है। तो निकल अपने को पता है कि कौन कितने नंबर पे आता है, 20 आयरन कोबाल्ट निकल कोबाल्ट जिंक, तो 28 पे आता है। तो 28 मेरे कौन से में आ गया? फोर्थ के अंदर। मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट, और ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट। मुझे कौन से पीरियड का पकड़ना है? फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ वाला कौन सा है? पीडी। तो 46 को कौन सा आता है? पीडी आता है। कौन सा आता है? पीडी आता है। तो है ना आसान, आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। एक बार मैं आपके साथ एक और में ट्राई कर लेता हूँ, है ना? आप ऐसे समझ लो, आपको किसी ने दे दिया 35 नंबर, तो 35 नंबर दिया है। एग्जाम्पल मैं आपको थर्ड बता रहा हूँ, मैं बिना पेन रखे आंसर करके आपको निकाल के दे दूंगा। ये तो फिर भी मैंने पेन चलाया, मैं पेन भी नहीं चलूंगा। 35 किसी ने बोला तो मेरे को ये पता है 36 नंबर का एलिमेंट आता है वो क्रिप्टन। 35 बोला है तो 36 मेरे कहाँ आ रहा है? 18 ग्रुप में। तो 35 किस में आएगा? 17 ग्रुप में। तो मेरे को पता है यहाँ पे आएगा फिर। अब ट्रिक बतानी चाहिए 17 ग्रुप की। फिर कल बाहर आई आंटी, आपको ट्रिक पता है सबको। अब मैंने बोला 35, तो 35 प्लस 36 से जस्ट पहले आएगा 17 ग्रुप में। तो आपको तो क्वेश्चन पता लग गई, फोर्थ तो कौन सा है? पीरियड। ग्रुप कौन सा है? 17। एलिमेंट कौन सा है? तो एलिमेंट बताता हूं मैं आपको। अब समझना कि फिर कल बाहर, बाहर समझते हो कौन है? बी आर। तो 35 में कौन सा आएगा? बी आर आएगा। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। तो मैंने इसके जस्ट पास कर लिया। आप बीच के भी लोग हैं ना, तो भी बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे को ऐसे पूछ देता कि सर मेरे को आप बता दो 51 में कौन सा आया? कितने नंबर पे? 51 नंबर पे किसी ने मेरे से पूछा। तो 51 मेरे को पता है, 54 में से 51, तो सर आपने क्या किया? 3 का डिफरेंस ही दिया है। तो 3 का डिफरेंस लिया तो 18 ग्रुप में भी 3 का डिफरेंस आ जाएगा। 15 नंबर बोला है ना, तो 51 यही आएगा पीरियड से। तो 51 आप ये सोचो, 51 कौन से उसमें चला गया? तो 51 आपके चला गया कौन से के अंदर? इधर भी आप कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इधर भी 3 का डिफरेंस करो, 15वें ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो 15वें ग्रुप की ट्रिक बतानी चाहिए, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब दिखा दें, है सर? सब दिखा दें। तो नाइट्रोजन कौन से पीरियड में आता है ये चेक करो। तो नाइट्रोजन 7th में आता है। मुझे कैसे पता? 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है। कौन से पीरियड में आएगा? तो इसमें आएगा। तो ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। तो इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब मेरे को कौन सा पीरियड निकालना है? फिफ्थ पीरियड निकालना है। फिफ्थ पीरियड कौन है? एसबी। तो इसका मतलब ये है कि अपने 51 पे कौन आ रहा होगा? एसबी आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का नंबर, उसकी पोजीशन, उसका ग्रुप, उसका पीरियड सब कुछ निकाल सकते हो। तो मैंने 3 तरीके बताए। एक तो ये वाला, जिसमें आप एक एक कैसे करके कर सकते हो किसी का भी, एक आप ये वाला, और एक ये कि आप पेन मार कर कुछ नहीं रखो, सीधा अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया अच्छा खासा, तो उसको लगाओ, कैलकुलेट होकर फटाफट निकलेगा। तो आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो मेरे से तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो आपको अगला मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।